Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Sarvashaktani aduthu kuda velichathil vasikkindar ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ കരുണകളിൽ സമ്പന്നനെ നിത്യതയോടെ കൂടിയിരിക്കാം വാക്ക് തന്നവനെ കാൽത്തോറും ഞങ്ങളുടെ പരച്ചു വെക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 Stuti ho, teri stuti ho, teri stuti, teri stuti, teri stuti, teri stuti. Hey, sarvashaktiman Yehovah, ati pavitra parameshwar, tejomay prabhu, teri stuti karte. Stuti, 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 stuti ho, teri stuti ho, teri stuti ho. सदा सर्वदा के लिए तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति कलेसिया की ओर से तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति सियोन कुमारियों की कंठों से तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति महिमा 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 हे से प्रभु हमारे लिए महान चट्टान बनकर रहने वाला त्रय परमेश्वर तेरी महिमा 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 हो महिमा 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 तेरे नाम अधिक महिमा पाए तेरी महिमा विश्व भर में फैलाए जाए प्रभु जी महिमावान प्रभु तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 अदृश्य और वो दिखी हुई सारी वस्तुओं की सारी सारी जंतुओं की सृजनहार परमेश्वर तेरी प्रशंसा 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 हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो तारीफ 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 आसमान को थाने वाला और वृद्धि का नाव डालने वाला परमेश्वर तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ वंदना 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 सारे सृष्टि जो दर्दराते हुए लगातार तेरी वंदना करते हैं अब्बा हम प्रभु तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 झुक कर वंदना 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 चरणों में आकर वंदना 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 उपासना करते प्रभु उपासना कोटि कोटि दूत गण के साथ उपासना 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 प्राचीनों के साथ महाकर्मों के साथ सराफों के साथ पवित्र किए हुए सारे मेरे संतों की आत्माओं के साथ अम्मा उपासना 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 करते उपासना करते आराधना हो आराधना आराधना अति ऊंचाई में आराधना हो पवित्र आत्मा में आराधना हो पवित्र दिल से आराधना हो स्वर्गदूतों से घेरे हुए आराधना हो आराधना 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 चिंता छोड़ कर आराधना करे तार करे आराधना करे आराधना 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 महिमावान परमेश्वर की आराधना 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 धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 कोटि 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 धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद कृपा के लिए धन्यवाद असी प्रेम के लिए धन्यवाद धन्यवाद आपको करुणा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद पुत्र के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पवित्र वचन के लिए धन्यवाद 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 के चलाते हुए अब तेरे संतान तेरे पाठकों से प्रभु पवित्रता में और पवित्र आत्मा में आराधना करने के लिए तैयार करते जा प्रभु तैयार कर प्रभु और मनुष्य अपने योग्यता के आधार पर इतना पवित्र बन बेहतर के सम्मुख हंस सकता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे सबसे पहले मुझको तैयार कर दे प्रभु मनुष्य को तैयार कर अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु सारे महिला अपना पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चुने में संतों के समेत तेरी आराधना करना चाहता प्रभु मुझे तैयार कर तेरे जनों को तैयार करते जा जो आए जो आने पर उन्हें भी तैयार कर प्रभु ताकि पूरी तैयारी से सजाया गया याजक का समाज सा तेरी आराधना करे जैसे संतों के लिए उचित है जैसे परमेश्वर के योग्य आराधना करने के लिए सहायता कर प्रभु ताकि हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना बन जाए खुशबूदार हो जाए एक प्रभात की होम बलि ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना बन जाए हालेलुया पूरे इलाके पवित्र किए जाए हालेलुया मकान पवित्र हालेलुया भवन पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए अधिक किए जाए इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंतकार की शक्ति को यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से मैं डांटता हूँ आमीन आमीन यस पवित्र आत्मा की आसादी में हमारा यस पवित्र आत्मा में चला यस आदि से अंत तक चला तेरे मर्जी के अनुसार चला तेरे नाम अधिक महिमा हो यस तेरे ही राज्य तेरी इच्छा पूरी किए जाए हमारे जीवन में परिवारों में तेरे जनान तेरे जन का पालन पोषण पहुंचाए राज्य की स्पर्श और अभिषेक कमल हर क्रम आए बातों में तृप्त करने वाला आदि से ही चला पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रभु चलने के लिए गीत हो वचन हो वचन हो भाषण हो मनन हो भित्ति हो ये विचार या ना चलती हो सब तेरी इच्छा के अनुसार बाप और तेरे जन सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा वंदना और आराधना तेरे ही चरणों पे अर्पण कर देते हैं यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं हमने पिछले दिन पढ़ा कि ये स्वर्गीय वेदी के ऊपर का अग्नि स्वर्गीय अग्नि है हमारे भीतर लोग नहीं देखता होगा एक दिया जल रहा है इसको परमेश्वर के आत्मा ने जलाया है पिछले दिनों में प्रभु हमें यही समझाया ये अग्नि बुझना नहीं चाहिए परमेश्वर की ओर से जलाया गया अग्नि कैसे बुझेगा अगर उसमें लकड़ा निरंतर में ताजगी से नहीं डालता ईंधन नहीं मिलता उसको फिर वो जाएगा आप जाकर यहाँ एक अच्छा दुकान में जाकर एक डीलर के पास जाकर बहुत अच्छा एक गाड़ी खरीदेगा फिर आप उसको बोलेंगे उसको चालू करके दिखाओ चालू करके देगा उसमें क्या क्या सिस्टम है वो बताओ सब कुछ बताएगा बोलेगा चलाओ आप चलाएगा चला चला के 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी भूक भूक करके बंद हो जाता है क्योंकि उन्होंने टैंकी में पेट्रोल भर के
पेट्रोलों में भर ला नहीं है। इसलिए पिछले दिन में प्रभु ने कहा कि ये अग्नि बुझने नहीं देना, अगर नहीं बुझना, अगर वो बुझ गया मेरी बेवकूफी से लापरवाही से बुझ गया, परमेश्वर दोबारा जिलाने के लिए तैयार है। अगर मैं विनती करूं जीवन में फिसल गया, गिर पड़ा, गलती हुआ, प्रभु कहता लौटाओ, पश्चाताप करो, मेरी ओर फिरो, मैं दोबारा जलाऊंगा। ऐसा हमने देखा जो अग्नि बुझ गया था वो अग्नि को परमेश्वर ने अनेक लोगों के लिए जलाकर दिया नहीं है। जब मूसा ने वेदी बनाया उसकी प्रतिष्ठा के समय अग्नि उतर कर आया, हमने ये देख लिया नहीं है। उसके पहले से परमेश्वर ने काबिल के लिए एक अब्राहम के लिए ऐसा ही अग्नि उंडेल दिया था, ये बात हमने देख लिया नहीं है। बुझ गया, मिट गया, सब खत्म हो गया नहीं है। फिर भी दाऊद बलि चढ़ाता, अमर दोबारा वो वेदी पर तैयार करता, अग्नि उतर कराता, उसका लड़का मंदिर बनाता, परमेश्वर ने जो रूपरेखा दिया था उसके आधार पर, according to the plan given by God, Solomon would build another temple and the fire will come down, surgi agni utar kar aata. Wahan likha hai yajak log bhi andar ghus ke seva nahi kar saka, utna agni utar kar aaya, megh se bhar diya gaya. Arthat yajak log याजकों के समान तैयार किया नहीं गया, नहीं था सजाया नहीं गया था, तो भी एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बांधने के लिए तैयार होता वो याजक नहीं रहा, वो भविष्यद्वक्ता नहीं रहा, सिर्फ एक राजा। लेकिन उसके पिता ने जो भी आज्ञा उसको सुनाया था, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अनुसार उसने बनाया, स्वर्गीय अग्नि उतर कर आया। ये अग्नि को आज भी जला कर रखने वाले लोग उसके याचक लोग हैं। तो कहां हम ढूंढ के जाएंगे याचकों को, उसके याचकों का समाज यहां बैठा है। ये पश्चात में हम कुछ वचन आज पढ़ते हैं। हम सबसे पहले 40वां भजन में से 6 से पढ़ता, मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। इन सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग यू हैव नॉट डिलाइटेड बट यू हैव गिवन मी एन ओपन ईयर। यीशु कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है कि वेदी के ऊपर चढ़ाया जाने वाला बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, पाप बलि से पापों की क्षमा नहीं होता, होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तूने मुझको दास के समान चुन लेकर तेरी आज्ञा सुनकर उसका पालन करने के लिए मुझको अलग किया है। तो मसीहा कहता है कि हे पिता परमेश्वर, तूने मेरे कानों को खोला है नहीं है, छेदा है, सारी चीज अब कई बार मनन किया है, अर्थात मुझको तूने तेरा गुलाम बनाया है, तेरा हर कहना मानने वाला, तेरी इच्छा को पूरा करने वाला मैं दास हूं। किता है, तब मैंने कहा देख मैं आया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है, जस्ट एज यू हैव रिकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर आई कम डिलाइटिंग टू डू योर विल। जैसा तूने तेरे पुस्तक में आलेखित कर लिखा है, उल्लेखित कर रखा है, वैसा ही तेरे वचन को पूरा करने के लिए मैं आया। यीशु कहता मैं आया। ये वेदी के ऊपर लोग ऐसा ही बलि चढ़ाकर जाया करते थे, जानवरों का बलि है वो, उसे पाप क्षमा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा
पाप का जो दंड है वह दूर हटाया जाता था और पाप और अधर्म को छुपा के रखा जाता था। नहीं है तो यीशु कहता मैं आता तेरे हित को पूरा करने के लिए, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसा करने के लिए। हे मेरे परमेश्वर मेरी इच्छा, मैं तेरी इच्छा पूरा करने से प्रसन्न हूं। क्या करेगा, जाना ही पड़ेगा, पिता की इच्छा है पूरा करना पड़ेगा। आमेन। पिता की जितना इच्छा था उतना इच्छा पुत्र का भी है। पिता ने मुझसे जितना प्यार किया उतना प्यार पुत्र ने भी किया। इसने पुत्र ने कहा पिता और मैं एक हूँ। कहता मैं आया सबसे महान अतिश्रेष्ठ महायाजक कहता कहता मैं आया। याजक लोग बलि चढ़ा लेकिन उसे अधूरा रहा, उसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। तो श्रेष्ठ महायाजक कहता कहता मैं आता हूं, तेरी इच्छा मैं पूरा करूंगा। वह मार्ग बैठता है 110 बहुत बहुत मशहूर होने के कारण हमें बहुत ज्यादा समय वहां बिताना नहीं है। 110 तो आप लोग आज जानते हैं, इसमें विश्वास करता उसका। इसके लिए मैं पूरा वचन नहीं पढ़ता, 4 और 5 पढ़ता। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। The Lord has sworn and he will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा याचक है। यह भी पिता परमेश्वर की ओर से नियुक्ति है। कोई भी याचक अपने आप को याचक नहीं बना सकता। अनेक लोग आजकल करते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा नहीं है। तो इब्रानी में आकर हम पढ़ते हैं कोई भी महायाजक अपने आप को याजक नहीं बना सकता। इसलिए यीशु ने भी अपने आप को नहीं बनाया, मलकीसेदक के क्रम से वो बनाया गया। आमेन। याजक बनाया जाता है। जितना भी याजक लोग यहाँ बैठे परमेश्वर के संतान बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का संतान नहीं बनाया। इस बार के स्कूल में नाम नहीं लिखवाया, परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला, हमें अपनाया, उसके याजक के रूप में नियुक्त किया, इसलिए उसके याजक के समान। या पिता परमेश्वर ने यह निर्णय लिया पुत्र को महायाजक के रूप में नियुक्त किया। Jesus was appointed and ordained as the high priest forever. उसके पहले कोई भी महायाजक सदा के लिए नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर का निर्णय है ये महायाजक जो हमारा उद्धारक यीशु क्रिस्त है सदा के लिए हमारा महायाजक बनकर रहे, और वो पछताएगा नहीं। इसे लिखा नहीं है, इसे लिखा कि नहीं, मलकीसेदक की रीति पर तो सर्वदा याजक है और इसके ऊपर मैं नहीं पछताऊंगा। कहते प्रभु तेरी दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर करता। The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. The God is at your right hand. परमेश्वर तुम्हारे दाहिने भाग में अर्थ जानते हो, परमेश्वर पिता का दाहिने भाग दाहिने हाथ परमेश्वर का पुत्र है। अब कई बार ये सुना है, कई बार हमने पढ़ा है, इसके लिए मैं इसको विस्तार में नहीं समझाना चाहता। या के लोगों को विस्तार में एक ही बात बताने की जरूरत है मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं। मैं भी बीच बीच में करने का प्रयास करूंगा, लेकिन घड़ी आगे बढ़ते है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो घड़ी को उठा कर रखना तो मुश्किल है, बैटरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में हमें पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा देर से बैठाएगा तो बोलेगा खाना खिलाओ, तो बोलेगा क्यों, बोलेगा यीशु ने खिलाया था, लंबा भाषण देगा तो खाना खिलाना। तेरी दहिने बाग को कर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। ये महायाजक परमेश्वर का दहिना हाथ है, लेकिन ये महायाजक साधारण महायाजक से बढ़कर है। ये महायाजक आज वहां बढ़कर याजक की तरह हमारे लिए बिनती बिछवाई कर रहा है। लेकिन एक दिन आएगा ऐसा न्यायी बनकर
राजाओं का राजा बनकर शत्रुओं को चकनाचूर करने के लिए जगत में प्रकट होगा। आमीन। ये महायाजक बाकी महायाजकों से अलग है। yes. वो श्रेष्ठ महायाजक है, अति श्रेष्ठ महायाजक है, सनातन काल के लिए पिता परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया महायाजक है, परमेश्वर के दाहिने भाग में सेवा कर रहा। He continues to minister. Hallelujah. हम ऐसे भी आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ दिया तो सब जो भाषण आधा हो गया, तब से कम आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। तीसरे अध्याय में आता उत्पत्ति का, नहीं है? कई बार पढ़ा है तो मैं बहुत जल्दी पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। अब इसके ऊपर भाषण देने की जरूरत है नहीं है। यह हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, पुत्र परमेश्वर पहले सृजनहार के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया। God the Son had revealed himself as the creator. वो सृष्टिकर्ता है, लेकिन अब वो याजक बनता है। याजक का काम है गिरे हुए इंसान, अबैल पाप में पड़े हुए इंसान और पिता परमेश्वर के बीच में खड़ा रहना, उसके नंगा पर को छुपाना, दोबारा उसको पुनर्निर्माण करना, नवीकरण करना, ये याजक का काम है। पुत्र परमेश्वर ये काम आदि से शुरू किया है। अबैल If you are only God, if you are only a judge, you would have come down and destroyed mankind. अगर वो सिर्फ परमेश्वर होता, वो सिर्फ न्याय ही करने वाला धर्मी होता, उत्तर कहता मनुष्य को खत्म करता। तो पवित्र आत्मा ये जगत में आरंभ से यही कार्य करते आ रहा है, जिसके रूप सादृश्य में हम बनाया गया है, हमें दोबारा परमेश्वर के सम्मुख जीवित रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, तभी से परमेश्वर ने कार्य शुरू किया था। वो एक न्यायी का काम नहीं है, वह एक याचक का काम है। अब आगे बढ़ते हैं, आवाज़ से आगे बढ़कर उसका ही वही अध्याय का 14 से पढ़ना है मेरे ख्याल से, नहीं है क्या? हाँ, यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने ये किया है? मैंने मैं कहाँ से पढ़ा था पहले? 3:14। हाँ, 3:14 पढ़ा है तो पहले मैं 21 पढ़ा। हाँ, यही है तो सब उल्टा दिमाग है। ये बताने के लिए कि जो उसने याजक का काम के वही मुझे पढ़ने के दबा की सब आपके लिए है, ठीक है? यही महायाजक दुश्मन को नहीं छोड़ता, यही महायाजक पाप का नजरअंदाज नहीं करता। Let us not get it wrong. ये हम कभी गलत नहीं समझना चाहिए। अनेक लोग जो ऐसे गलत समझते हैं, समझाते हैं, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप की नजरअंदाजा करता, नहीं है। वो यहाँ ऐसे सब करता है, वह श्राप देता है सांप को, स्त्री को, पुरुष को, ताड़ना करता है, वो सजा देता है, लेकिन वो साथ साथ नंगा पर को छुपाता ताकि दुश्मन उंगली उठाकर ठट्ठा ना उठाए। That the enemy will not continue to insult him. He covered their nakedness. He is the high priest. No high priest should cover up sins. No high priest should overlook sins. महायाजक कभी भी पापों की नजरअंदाज नहीं करता, विजयी करता है वो। हालेलुया। समझाता है, ताड़ना देता है, लेकिन वो लज्जित होने नहीं देता दुश्मन के सामने। वैसे हम आगे बढ़ते 15 का 17 पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और अंधकार छा गया, तब एक अंगठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी,
जो दोनों टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गए। हरिद्वार को शायद हम ये पढ़ते हैं, अब्राहम याजक नहीं रहा लेकिन परमेश्वर का कहना मानकर वेदी बनाया, बलि को तैयार किया। पिछली द्वार को भी शायद हमने श्रेष्ठ महायाजक उत्तर किया, वेदी पर आग को जलाने का काम पाया। अब्राहम हमें ये वेदी तैयार करना, अग्नि वो जला था। कई कुछ बहना कहने का था लेकिन हम वापस ये पार्ट वन पार्ट टू ये सब चीज समय अच्छा नहीं लगता। आदम और हव्वा अगर वृक्षों के पीछे से बाहर नहीं आता, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आता, पहनाया नहीं, अगर आता जरूर पहनाया जाए। उनमें हिम्मत ही नहीं था बोलने के लिए मुझे वस्त्र पहना। उन्होंने यह विनती भी नहीं किया कि हमारे नंगापन हटा दे, योग्यता कहाँ है? यीशु को बुलाहट सुनकर जो भी आता नंगापन की अवस्था में पहनाया। यीशु के कहने के अनुसार यह वेदी को तैयार करता, वो महायाजक हरिद्वार को हमने नहीं कहा कि ये महायाजक का काम है, हमने कहा पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ये बलि के बीच में से चलकर उसके साथ वाचा बांधा, लेकिन वेदी के ऊपर बलि को जलाने का काम महायाजक। तो मतलब परमेश्वर स्वयं महायाजक इब्राहिम को सुलाया, पूरा बलि उसने जला दिया। वहां से वहां बढ़ते हैं, वहां से हमें 18:22 पढ़ना है। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। सदोम और अमोरा के जो इतने बड़े अधर्म था, पाप था, पाप में डूबे हुए एक जगह था वो, नहीं है उधर इतने तरह की एक्टिविटी है आजकल यहाँ जो हो रहा है वो सब उधर होता, कि वो सब हर तरह की गंदे चीज वहां होता था, सेम सेक्स मैरिज, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ शादी करते हैं और ऐसे सब होते हैं, लिविंग टुगेदर, ये सारे चीज उधर था। कहां था? सदोम और अमोरा। ये शैतान का काम पहले से ही है, ये नई कोई बात नहीं है। तो परमेश्वर उसको जलाने के लिए उतर कर आया, दूतों को भेज दिया, लेकिन दूत लोग जलाने के लिए चले गए, नहीं है? लेकिन अब्राहम परमेश्वर यहोवा के सम्मुख खड़ा रहा। That is what a priest does. अब ये अब्राहम को पता चला परमेश्वर यहोवा मेरे बलि को जलाने वाला परमेश्वर है, वही श्रेष्ठ महायाजक है। अमन वो सिर्फ जलाकर भस्म करने वाला अग्नि ही नहीं है, वो सिर्फ न्याय करने वाला यहोवा ही नहीं है, वो सिर्फ सर्वशक्तिमान यहोवा ही नहीं है, वो दया करने वाला। Abraham had tasted the compassion and mercy of this great high priest. यदि श्रेष्ठ महायाजक की करुणा और दया को अब्राहम ने चख लिया, इसलिए अब्राहम चला, दूत लोग चले गए जलाने के लिए, लेकिन अब्राहम वहां अब्राहम दानियम में आते तो इतना ऊंचा पद पे बिठाया गया है स्वर्ग स्थान, उसने परमेश्वर को पहचाना, जाना। परमेश्वर ने उसको अपने आप का परिचय कैसे दिया था पता है? सर्वशक्तिमान यहोवा। मूसा को कहते मैंने अब्राहम को मेरा पूरा परिचय नहीं दिया था, मैंने उसको कहा मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं। आप लोग ये सब जानते हैं, समय कहां है उधर से डाक पढ़ने के लिए, लेकिन
अब्राहम ने जाना अनुभव से जाना यह मेरा महायाचक है और मैं उसके हाथ के अधीन का याचक बन सकता हूं। बाकी कहानी अब जानी अब्राहम खड़ा दूधों ने जलाने को गया बाकी सब मेरा भावना है दूध लोग जाते तो उसके ऊपर उसके 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 पास निर्देशन आया वेट 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 जैसे अब्राहम इसाक को काटने पर था तो परमेश्वर ने कहा वेट वैसे दूधों को कहा वेट अब्राहम ने मेरे ऊपर निर्बंध लगाया है जब तक तू लूत और परिवार को सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंचाएगा तब तक तू उनको नहीं जलाएगा अगर अब्राहम जो श्रेष्ठ महायाजक के हाथ के नीचे का दास याचक है उसकी प्रार्थना इतना निर्बंध परमेश्वर को ऊपर लगा सकता यीशु जो श्रेष्ठ महायाजक है दगिने बाग पे पिता के उसकी विनती से क्या नहीं हो सकता आगे बढ़ता वैसे भी हमें आगे बढ़ कर निर्गमन में जाना है निर्गमन में बहुत कुछ पढ़ना है मुझे लेकिन वो सब मैं छोड़ देता क्योंकि आप लोग बार 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 मूसा को बुलाया मूसा ने अग्नि को देखा जाड़ में अग्नि को देखा ये सारे चीज और मूसा ने वेदी बनाया ये सारे चीज सब पढ़ के अब थके वो इसलिए मैं आपको वहां सब लेके नहीं जाता 12वां अध्याय में सीधा लेकर आता और 7 और 6 और 7 पढ़ता और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन बंधनी के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाए ये कहानी को नहीं जानता मूसा को परमेश्वर ने कहा एक मेमना को चुन लेना 10 तारीख को ये 10 तारीख क्यों बहुत बार इधर चर्चा हुई है अभी मैं उसको ऊपर से बात नहीं करता कोई परमेश्वर के दास को भी सिखाते कोटि-कोटि बरस उसके पहले बीता था लाखों-लाखों बरस बीता था वो सब सिखा रहा है ये 10वां दिन का अर्थ मैंने कई बार बताने का प्रयास किया है अभी आप भूल गया तो और एक दिन बताऊंगा ठीक है तो 10वां तारीख को मैं आपको चुनना है ठीक है उसके बाद 14वां तारीख को उसको बलि करना है और इसका लहू द्वार के चौखट के दोनों अलंगों पे लगाना तब मृत्यु का दूत वो घर को छोड़कर चल जाएगा लोगों के समझ में नहीं आया ये सब क्या बात है लेकिन स्वर्ग दूत को मृत्यु को दूत को समझाया गया लोगों को लगता वो लोग ऐसा मृग पशु को काट कर अच्छा खाना खाते वो की लंबी सफर है इसके लिए वो लोग मांस सब जलाकर खाया लेकिन स्वर्ग दूत को मृत्यु के दूत को मालूम था इसके जगह पर स्वर्ग की मेमना श्रेष्ठ महायाचक ने वेदी पर अपने आप को लिटाया है उसके लहू मृत्यु को ऊपर जय पाया हुआ लहू है इसके लिए मृत्यु का दूत वो घर में नहीं घुसता उसने देखा नहीं कान खोल कर सुन ले उसने देखा नहीं इस घर के अंदर कौन है That is the power of the blood of this high priest. ये श्रेष्ठ महायाजक का लहू का सामर्थ्य वह है No questions asked. Yes. चिल्ला कर बाहर से चिल्लाकर पूछा नहीं तू पूरा विश्वास करते हैं क्या नहीं पूछा तू परमेश्वर के मार्ग में चलते रहा क्या नहीं पूछा लहू देखा भाग गया अम्मी नया नियम में आकर पढ़ते हैं वो परमेश्वर का लहू एक विचित्र बात है लहू सब लगाने वाला आदमी कौन है याचक
उसका मात्र परमेश्वर ने 30 लाख से अधिक 30 लाख 6 लाख पकड़ो पुरुष लोग पकड़ो पुरुष लोग ये लगाया होगा सब विश्वास करता है लोगों को आदम पर ने याचक बनाया था उसका मतलब परमेश्वर के कहने पर बलि चढ़ाने वाला मेमना का मांस खाने वाला अमें परमेश्वर की ओर से याजक का काम कर रहा है अगर वचन कहता आप याजक हो तो उसमें कोई गलती नहीं है नहीं आगे बढ़ते वहां से भी आगे बढ़कर हमें कहां जाना है 28 में से बहुत वचन पढ़ना आपको मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है वैसे ही उन दो मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना याजक के वस्त्र का वर्णन है मुझे जितना याद है कि हमने उसके ऊपर बहुत विस्तार में मनन किया है शिक्षा पाया याजक का वो जमाने का महायाजक का एक वस्त्र आज का तारीख में बनाना है तो करोड़ों 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 रुपया लगेगा मजाक नहीं उन्होंने उसका सब एस्टिमेट निकाला मैं भूल गया कितना करोड़ है आप विश्वास भी नहीं कर सकते इतना करोड़ों रुपया लगेगा ऐसा वस्त्र बनाने के लिए और बताया जाता है ऐसे एक वस्त्र का निर्माण हो चुकी है मुझे बता नहीं मैंने देखा नहीं है ये वस्त्र बनाने का रीति कुछ गंभीर है अगर यहां का एक महायाजक का वस्त्र इतना महंगा हमारा श्रेष्ठ महायाजक की महिमा का वर्णन कौन कर सकता उसकी महिमा का वर्णन उसका वैभव का वर्णन उसके शोभा का वर्णन कौन कौन कर सकता इसलिए वो यूहन्ना के पास शब्द ही नहीं था उसने कुछ भी लिखा इसलिए लोग एक झलक देखकर ऐसे लाश सवार गिर पड़ते थे यहां पहले क्या पढ़ा मणि हाँ उसका वस्त्र का क्या था मणि लगाना कहां लगाना वो सब आप बोलो नहीं तो उन लोगों को मैं कैसे बोले चलो आप कुछ मत पढ़ो वही सबसे अच्छा बात यही है आप लोग से सब पढ़वाना आपको थकाना ये जो वस्त्र इतना महंगा वस्त्र है उसके कंधे पे दो ऐसा मणि होता है बहुत महंगा हीरे है वो ठीक है यहां रहता उसके ऊपर 12 गोत्रों का नाम खोद कर निकय होता है 2 jewels on his shoulders inscribed with the names of the 12 tribes परमेश्वर के जन के गोत्र के चुना हुआ लोगों के गोत्र के नाम खोद कर वो दोनों मणि के ऊपर लिखा है भैया वो ड्रॉवर में रखने के लिए नहीं है उसके कंधे पे अर्थात उनका बोझ तू उठाओ तू उठाओ ये लोगों का बोझ तू उठाओ मेरे कंधे पर बने रहे क्योंकि दूर के लिए याजक है जैसे अब्राहम लूत और मेरे साथ मेरे पीछे खड़ा था वैसे तू इन सारे 12 गोत्रों के लिए मेरे और उनके बीच में खड़ा रहेगा खत्म नहीं होता उसके बाद आप पढ़ेगा तो मैं ही पढ़ता हूँ 12वां में क्या लिखा है और दोनों मणियों का एफोद के कंधों पर लगवाना हाँ कंधे पे लगाना अभी आगे जाकर 21 पढ़ना और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम अभी यहाँ 2 मणि खत्म नहीं होता हालेलुया ये तो ऐसे बोझ उठाकर चलने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर है मुझे याद आता वो सिमोन का जो यीशु के लिए कुछ समय के लिए क्रूस उठा के चला वो बेचारा निर्बंध पूर्व चला वो बोझ उड़ाने वाला एक व्यक्ति था यीशु के समान हमारा बोझ कंधे पर लेकर नहीं चलता था वो सिमोन
इसलिए यहां कहते हैं तू सिर्फ बोझ उठाने वाला नहीं है, तू तो उससे ऐसा प्रेम रखने वाला, उसको हृदय में छुपा कर रखने वाला मनुष्य हो। इसके लिए श्रेष्ठ मुखाई आज के जाति पर 12 मणि है, हर एक मणि के ऊपर हर एक गोत्र का नाम खोद कर लिखा। शिखर लगाएगा तो नहीं चलेगा, प्रभु कहते खोद के रखो ताकि वो मिट ना जाए। Engraved on his heart, engraved on his heart, amen, is your name and my name, amen. Engraved on his palm is your picture and my picture. उसके हृदय पे खोद कर लिखा है मेरा नाम और आपका नाम। हालेलुया। उसके हथेली पर खोद के बनाया है आपका तस्वीर और मेरा तस्वीर। बचपन में बड़े अद्भुत से मैं सोचता, जब मैं प्रार्थना करता प्रभु अपने दाहिने हाथ को देखा तो मेरा तस्वीर, जब मेरा बड़ा भाई प्रार्थना करता उसका तस्वीर, अरे चेहरा उसके सामने याद बुधवार महायाचक है। आगे में बढ़ना इतना भी काफी नहीं है। आजी जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास अपने हृदय के ऊपर इसराइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य होता रहे। हालेलुया। यहोवा को स्मरण कराने वाला आदमी महायाजक है। कभी कभी हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, तक जाते हैं, परेशान होता है, लेकिन जब तक याजक यहोवा का सम्मुख याद दिलाएगा, याद दिलाएगा, ये महायाजक का काम है। जब मैं प्रार्थना करने को भूल जाता तो जब मैं थक जाता मैं हिल जाता तो महायाजक मेरे लिए लगातार विनती करता रहता, या कहते कि मुझको स्मरण दिला, ये महायाजक का काम है। आगे आगे जल्दी। अजी और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, ये इतना भी काफी नहीं है, स्मरण दिलाना ये काफी नहीं है, उनको अगुवाई देने का काम भी तुम्हारा है। अबर 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 ये महायाजक सिर्फ विनती करने वाला नहीं है। उरीम और तुम्हें क्या है कोई नहीं जानता, किसी ने नहीं देखा है उसको, अभी भी लोगों को नहीं मालूम है। ऐसे बहुत कीमतीवान एक एक अलौकिक पत्थर है, वो पता नहीं क्या है, उसके भीतर रहता वो प्रकाश चिन्ह और सच्चाई है, वो अलका है। उरीम और तुम्हें रेवलेशन एंड ट्रूथ, पवित्र वचन और उसको प्रकाशित करने वाला पवित्र आत्मा सही समय पर अगुवाई देते हुए सही वचन पवित्र आत्मा चुनकर देगा। यीशु ने कहा मैं भेजूंगा तुम्हारे सहायक को भेजूंगा, वो आएगा, अपने आप कुछ उत्पन्न नहीं करेगा, मेरे छुपा कर रखा है इसमें से वो ढूंढ कर निकालेगा, तुम्हें निर्देशन देगा, अगुवाई देगा, तुम उसके अनुसार चलोगे। ये महायाजक का काम है, ये उरीम और तुम्मीम एक चीज को समझता नहीं, लेकिन बचपन से मैं ये प्रार्थना करता प्रभु मुझ में उरीम और तुम्मीम बने रहना है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा वचन तुझ में बने रहे तो पवित्र आत्मा की इच्छा से कुछ भी मांगो मिल जाएगा। When Urim reveals the word of God, the truth of God, then we will not err. हम लोग गलत कदम नहीं उठाते हैं। अमीन। ते महायाजक का काम सिर्फ आग जलाकर रखने वाली काम नहीं है, बोझ उठाता है वो। अमीन।
हृदय पे लेकर चलता है वो, परमेश्वर को याद दिलाता है प्रभु, इसकी सुधि ले, इसके याद कर प्रभु, उसके लिए कार्य कर प्रभु, उसका सुन ले प्रभु। इतना ही मार्ग दिखाएगा, अगुवाई देगा, ये लेकर मेरे सम्मुख आना। उसे भी गंभीर बात हम आगे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। ये तो वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, तो भी मैं कहता चौके सोने का एक पट्टी कहा बांधना है, माथे पर बांध के रखना महायाचक। और वहां क्या लिखा मालूम है, परमेश्वर के लिए ऐसा ही एक महायाचक मेरे लिए आपके लिए विनती कर सकता, ऐसे एक महायाचक मेरा बोझ उठा सकता, ऐसे एक महायाचक परमेश्वर पिता को मेरे बारे में स्मरण दिला सकता, ऐसे एक महायाचक मुझे मार्गदर्शन दे सकता, अगुवाई दे सकता, वो परफेक्ट हो, पवित्र हो। इसलिए हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है, जब पिता परमेश्वर पुत्र को जगत में भेजता उसने आकाशवाणी सुनाया, ये मेरा प्रिय पुत्र है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। एक बार युमांदर के पर्वत पर वापस ये वाणी आता, यही मेरा प्रिय पुत्र है, उसी में उरी और तुमी में उसका सुना, मूसा नहीं, एलिया नहीं, हारून नहीं, दानियेल नहीं, यही श्रेष्ठ महायाचक सिमेउरिम और तुमीम है, हालेलुया। और वही अति पवित्र परमेश्वर है, स्वयं है, ऐसे लिखे रखना। और ये लोगों के सामने लोगों का आदर सम्मान मिलने के लिए है, मेरे को अच्छा लगता था ऐसे एक पटुका मुझे मिला, ऐसा एक बड़ा एक नेम प्लेट, यहाँ होली अनटू द लॉर्ड ऐसा करके घूमने में मजा आता है। क्या करना है क्या करना है, और उससे नीले फाते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, जिसने कि इसराइली जो कुछ पवित्र ठहराए अर्थात जितनी वस्तुएं भेंट में चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। ये पवित्रता का ये नेम प्लेट किसके लिए है, जानबूझ के कहता ये लोग जब बलि चढ़ाते उसमें कोई कमी है तो तेरे ऊपर रहेगा। अबल अबल योर होलीनेस विल स्वालो अबल द ब्लेमिशेस इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में जो गलती है उसको तेरी पवित्रता निकल लेगी। That is our great high priest. हमारा श्रेष्ठ महायाचक का यह काम है। हमें लगा कि यहां लिख के इधर घूमेगा तो लोग से लुट मारेंगे। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पहले बलि चढ़ाने के लिए आते उसमें कभी आप जानवर में कभी आप जो व्यक्ति आता उसके पास जाता मैं कभी उसको समय से शब्द नहीं है तो भी मैं करता आगिरण करेगा। आगिरण करने का मतलब है कि अब्सॉर्ब, उसको हिंदी में क्या शब्द है मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत कुछ शब्द यूज करते हैं, वो बोलते ऐसे कुछ शब्द नहीं है क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता है। यहाँ तो सब पानी पी रहे, एक स्पंज का बड़ा टुकड़ा उधर डाल दे, सोख ले, सोख ले, सोख ले, वही चौथवा पुरुष सात बार गर्म किया किया भट्टी में, कि जब मेरी प्राप्ति मेरे समझ पर
मेरे विश्वास कभी सोच लेगा कभी ऊपर को आज का भाषण आदर्श से ज्यादा खत्म हो गया। ये सब परछाई में रखा दिया ठीक है, ये सब दृष्टांत था। आरु जो भी कमी आप करें उसको निभाने की संख्या यीशु वहां इसको प्रतिपुरुष बनाकर इसको राजदूत बनाकर वहां ये कार्य करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं हम। यहां से एक वचन हमने पढ़ा ही नहीं, 14 से हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं कहा है। इसके वो बहुत बार पढ़ते हैं, इसके लिए उत्पत्ति में हम जानते हैं देखते हैं एक मलकी से दिख उतर कर आता है, स्वर्ग का याचक है वो, परमेश्वर का याचक है। तभी वो दर्शन अब्राहम को दिया था, He knew there is a high priest in heaven, तो बना किसी तरह ये अब्राहम को अच्छी तरह मालूम पड़ा। अब्राहम को इधर से मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि हर द्वार को हम ये सब चीज पढ़ते हैं। परमेश्वर ने ये चीज को प्रकाशित की स्वर्ग में एक महायाचक, यहाँ ये महायाचक ऐसा पट्टुका पट्टुका है क्या उसको क्या बोलते हैं पट्टी क्या क्या लिखा है वो तो पट्टी लिखा है पट्टी ये पट्टू पट्टी परमेश्वर के सम्मुख जाकर नहीं कहता मैं अति पवित्र पुरुष आया हूँ उसके लिए नहीं कहते पवित्रता हमारी अपवित्रता को निकल ले सुंदर रीति से बोल उसके द्वारा ये बताया उसका जीवन हमारे मृत्यु को निकल लेता है उसकी पवित्रता हमारे श्राप और पाप को सोख लेता है निकल लेता है। आगे बढ़ते हैं क्या क्या नहीं करूंगा। पहले मैंने तंबू को पवित्र करेगा उसके बाद मैंने वेदी को पवित्र करूंगा और याजक को भी पवित्र। ये लिख के रखने से नहीं हम पवित्र हुए हैं, हमें याद दिलाने के लिए परमेश्वर वहां से मेरे इस मंदिर को पवित्र करता और मेरे भीतर की जो वेदी है उसको वो पवित्र करता। उसका काम है इतना ही नहीं, वो वेदी पर सेवा करने के लिए मुझे भी वो सिद्ध करता। इसलिए पवित्र शास्त्र मुझको अगर याचक कहता है गलत नहीं कहता। This temple of mine is sanctified. You all to within is sanctified. And the priest that I am is sanctified. मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य अपने आप को अर्पित करता है। हमारे पढ़ता 30:7-10 और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए और गोंधली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार उसके सिंगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में
एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। सिर्फ पाप बलि नहीं है, इस जीवन को ऐसा एक बलि चढ़ाकर खत्म होने वाली बात नहीं है। नित नित का यहाँ से सुकंद धूप बलि उठते रहेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिए सुगंध है धूप बलि। वो वेदी पाप बलि के लिए नहीं है, होम बलि के लिए नहीं है, वो पितर का नहीं है। It has nothing to do with sin. पाप के साथ कोई संबंध नहीं है उसको। ये पश्चाताप वाली बात नहीं है, ये गलती कबूल करने वाली बात नहीं है, ये मेरे पिताजी को प्रसन्न करने वाली एक सुगंधि जीवन दिल व दिल चलते रहने के लिए चलाने की बात है। मेरे शब्द से, मेरे सोच से, मेरे काम से परमेश्वर महिमा पाने वाली बात है। ये नित 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 पीढ़ी पीढ़ी के लिए ऐसे स्थापित किया गया नियम है। हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी के लिए तो हमारे लिए इसके लिए हम बीच बीच में उगाना करते हैं निंदा और बदनामी, ये सब चीज में मुझको सुगंध बना रहे। सुगंध सुगंध ये याजकों का काम है। इसको विस्तार में मैंने एक बार सिखाया था कैसे ये जलाया जाता है। दोनों हाथ में धूप है, दोनों हाथ में आग कैसे एक चम्मच से वेदी से जलने वाले कोयला को उसमें बंद करे वो मुंह में ऐसे बहाया जाता है। सब कुछ अर्पण कर, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन सैक्रिफाइस। और ये सुगंध बहुत बहुत महंगा था, उसके कारण नहीं, ये सुगंध वेदी की अग्नि से जलाया गया। संदेह में नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सुगंध की खूबी होता तो आरुण के संतान वही सुगंध जलाया, लेकिन अन्य अग्नि से जलाया, दोनों मिट गए। ये हमारी खूबी नहीं है, ये महायाजक यीशु ने जो अग्नि वेदी पर जलाया है वो पवित्र आत्मा आज भी जिला कर रखा है। इसके कारण है ये जीवन से सुगंध फैलता है। महान श्रेष्ठ महायाचक थे, याचक बन कर रहने के लिए प्रभु ने हमें चुने। हम आगे बढ़ते हैं, हम लेवी व्यवस्था में चले जाता है। नौका 23:24 पढ़ता, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली। लेवी व्यवस्था 9:23-24 ही पढ़ते आगे, ठीक है। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ये मूसा और हारून क्या करता मालूम है? मिलाप वाले तंबू में लोगों को आशीर्वाद। अब ये सुगंध धूप जलाने वाला याचक लोगों का एकमात्र काम लोगों को आशीर्वाद। अब मिलाप वाले तंबू में आते, परमेश्वर के भवन में आते, हम अपने आप को समर्पित करता है जीवित बलि और सुगंधी धूप बलि चढ़ाता इस जीवन से सुगंध ताकि हम आशीष पा सके। हम आशीर्वाद
यहाँ लोगों ने ये किया वही किया, हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद बलि चढ़ाने और परमेश्वर की ओर से पवित्र बनाया जाना, हर जीवन को ऐसे समर्पित करके सुखदी जीवन बिताना, इसलिए लोग आशीष पाए। मैं बोझ न बन करा, मैं बोझ उठाने वाला बन, मैं लोगों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाने वाला नहीं रहूं, मैं हाथ बढ़ाकर आशीर्वादित करता हूं। अब हमारे श्रेष्ठ महायाजक को देखता हूँ, समझन में पढ़ता नहीं, आप लोग जानते हैं, तो मैं कुछ बोलेगा तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसके लिए नहीं कहता। यीशु जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक जीवन दिया क्रूस पर, आपको मानव से जीवन कराया, हाथ पैदा कर शांति हो, तुम्हें शांति पर जाते वक्त हाथ पे लाख आशीर्वादित करते। लिखा है वहां दूतों ने कहा, जैसा वो उसने आरोहण किया वैसा ही वो उतर कर आएगा। कैसे? उसके जल के लिए आशीष की भरपूरी रेख रहेगा और उसके पंखों तले की चंगाई। पिछले द्वार पर शायद हमने ये सुना, ये दार्मिकता का सूर्य चलते ही होगा, उसके ताप से उसके दुश्मन जल कर राख बनेगा, लेकिन वो हाथ ऐसे बढ़ाया होगा उसके पंखों के छाव में, उसके चिन्ह उसके शीतल छाया में वो लोग बने रहेंगे। ये हमारे श्रेष्ठ महायाजक वहां से आगे बढ़ते हैं। मैं कहां जाना, पहला राजाओं का 30 से 33। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों को गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छापे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गढ़ा खोद दिया कि उसमें 2 असा 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। आप लोग सब जानते हैं, बाकी मत पढ़ो चलेंगे, आप ये कहानी जानते हैं। एलिया ने ऐसे चुनौती दिया था, बोला कि जो जीवित परमेश्वर है वो अग्नि से सबूत देगा। बोलो तैयार हो, 2 बच्चे लेके आए, किसने लेकर आया? लोगों ने लेके आया। बोला कौन सा भी बच्चा लेके आओ, ये बच्चा की क्रूबी नहीं है, ये बछड़ा की खूबी नहीं। उसने लोगों को, अपने लोगों को बुलाया, आशा, यस, आशा। हम लोग अपने वेदी को सही करते हैं, ठीक करते हैं, सही। मैं अनुमान करता जूना जमाने में पहले कर्मेल के चोटी पर बलि चढ़ाया जाता था, मुझे कैसे मालूम? क्योंकि वेदी बिखरा पड़ा था। याजक का काम ये है, सारे वेदी बिगड़ गया है, सब लोग ऐसा है, सब बेकार है, किसी में विश्वास नहीं है, सब दिखावट है, ऐसे कुड़कुड़ाने के लिए नहीं याजकों को बुलाया। याजक लोग वेदी को ठीक करेगा, आमीन, आमीन। अकेले में नहीं, लोगों को साथ में लेगा, उनको बोलेगा तेरा पत्थर गिर पड़ा है, तेरा ही पत्थर गिर पड़ा है, मैं नहीं विश्वास करता इतने बड़े बड़े मोटे पत्थर को एलिया ने उठाया, मैं क्या विश्वास करता पता है, हर एक गोत्र के लोग अपने अपने पत्थर सीता किया। आमीन, हालेलुया।
दुनिया की सहायता नहीं चाहिए, इसके लिए गड्ढे बनाया, पानी भरा, अन्य अग्नि कभी नहीं जलना। आमीन। जैसे हारून के संतान ने किया वैसे नहीं हुआ था, स्वर्गीय अग्नि होता ऐसे निर्बंध लगाने वाले लोग धन्य है। बाकी का वर्णन करने की क्या जरूरत है, स्वर्गीय अग्नि उत्तर कर। परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, यहोवा ही जीवित परमेश्वर है, ऐसा चिल्ला। लेकिन ये याजक का हाथ से और एक काम उधर हो गया, जैसा 110वां वचन में पढ़ा, सिर्फ आमेन बिचवई करने वाला नहीं है, दुश्मनों का चकनाचूर करने वाला। उसी दिन वही हुआ, बुढ़ा मनुष्य जो परमेश्वर के सामर्थ्य से बंद दिया गया, इतने सारे दुश्मनों को आगे बढ़ते वहां से हमें पल इतिहास में चले जाना है, 21वें अध्याय में जाना है, 25-26। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओर्नान को 600 शेकेल सोना तौल दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। मैं बड़ा पवित्र शास्त्र का पंडित नहीं हूँ, लेकिन दाऊद को तो पता था कि शायद पता था, मुझे पता नहीं, ये जगह उसने चुन लिया बलि चढ़ाने का, जहां इसहाक का बलि, जहां यीशु का बलि होगा। उसके ऊपर के भाग में संतूक रखा गया था। आज कोजियो ने ये सारी चीज को दूर निकाला है। अभी आप लोग को लगता है वो गलत है, गलत होने दे, उसमें मेरा शिक्षा उसके ऊपर नहीं थी, लेकिन कासियत यह दाऊद ने कहा मैं सस्ता बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं सस्ता बलि नहीं, महंगा बलि चढ़ाया जाए, ज्यादा पैसा दान पेटी में डालने वाली बात नहीं है, जीवन को पूरा पूरा परमेश्वर को और स्वर्गीय बातों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकर मैं बाकी सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होता, अर्पण करने के लिए तैयार होता, वो महंगा बलि है, कीर्तिमान बलि है, परमेश्वर की अग्नि उत्तर। आज यही पत्थर के लिए झगड़ा चल रहा है, इसी को मुसलमान लोगों ने उनका बहुत बड़ा दरगाह बनाकर उसके पीछे पीछे ऐसे छुपा कर रखा है, गुफा से जाकर कितने कोचियों ने ये जगह को ढूंढ निकाला है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अंदर से ऐसा होने के कारण मंदिर बनेगा तो उसी स्थान पर वेदी संतूक बनाया बिठाया जाएगा, मैं नहीं जानता, ये कुछ भी चीज मैं नहीं जानता, ये सब बड़े बड़े कोचियों की बात है। हमारा विषय सिर्फ पवित्र शास्त्र में जो प्रकाशित करके दिया है उसकी शिक्षा देना, बाकी सब मैं कुछ जानता नहीं, ठीक है। ये सब इधर उधर से इंटरनेट से ऐसे सब मैं पढ़ता हूँ, वो चीज में बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज पढ़ने को, लेकिन एक चीज में वो पत्थर का वो जगह का संवर्णन करने के लिए नहीं करा, महंगा बलि गलती तो जरूर हुआ था, लेकिन सबसे कीर्तिमान चीज अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते, भले उसने अपना गलती कबूल किया पश्चाताप किया, महंगा बलि चढ़ाता तो अग्नि को मेरे श्रेष्ठ महायाजक ने कितना महंगा बलि हमारे लिए चढ़ाया, उससे ज्यादा कीर्तिमान बलि नहीं हो सकता। अगर इसका यह महंगा बलि पर स्वर्गीय अग्नि उतर कराता, यीशु ने जो बलि मेरे लिए चढ़ाया उसके कारण मुझ में अग्नि निरंतर जलते नहीं रहेगा क्या, कौन बुझाएगा?
इसलिए पौलुस कहते हैं कोई भी शक्ति कोई भी व्यक्ति ये प्रेम की अग्नि को बुझा नहीं सकता, हमें भी पढ़ता है जना नियम में हम पढ़ते वो कि much waters cannot quench this fire of love, ये प्रेम की अग्नि को पूरे समुद्र के जल भी बुझा नहीं सकेगा, हम आगे पढ़ते हैं। अब ये दूसरी इतिहास में चले जाना जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिर कर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। शिलो में परमेश्वर का भवन था, कब का मिट गया, कब का मिट गया। परमेश्वर ने क्रोधित होकर लोगों को ताड़ना दिया तब वो सब खत्म। अभी सुलेमान मंदिर बनाया, इसने कहा ये मंदिर तेरे वास के योग्य नहीं है, मैं होता तो बोलता था उससे महंगा एक मकान अभी तक वृद्धि में नहीं बनाया गया, अभी तक सारे लोग उसको मानते हैं। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उससे महंगा मंदिर किसी ने कभी नहीं बनाया, लेकिन ना सुलेमान कहते ये क्या मंदिर, इसमें तू क्या वासी, एक काम कर, यहाँ हम आकर गुड़गुड़ाते हुए कराते हुए विनती करेगा तू वहां से सुनना, इधर तू आएगा करके मैं उम्मीद नहीं रखता। सच प्रयोग सुन ब्रिंग किस प्रसेंट डाउन, ऐसी प्रार्थना उसको उपस्थिति को नीचे ले आया। अमीन। सुलेमान किसका संतान है हम जानते हैं, He did have a glorious birth. उसका जन्म इतने सौभाग्यवान जन्म नहीं है, बेटा है वो। God, हम भी किसके संतान है, हम भी ऐसे ही हैं। प्रभु ने प्रेम किया हमें, हमारे वेदी पर उसने अग्नि जलाया हमें, हमारी बेटी को सुनता हमें, आगे बढ़ता। अब कुछ मार कर बहुत बड़ा एक जंप लेकर योएल में चले जा। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमें लगता है कि ये मूसा के समय पे हारून को करने के लिए कुछ बात कहा था वो है, अभी आरोन का समय नहीं, मूसा का समय नहीं, अभी ये दाऊद का समय नहीं, सुलेमान का समय नहीं, बहुत साल बीत चुके। परमेश्वर का जय, परमेश्वर की इतना क्रोधित किया, इतना प्रकोपित किया, वे लोग अपने आप को ऐसे दुश्मन के हाथ में गुलाम बनाकर रखा, लेकिन अब परमेश्वर की वाणी आता जो ये भविष्य तक के पास आता, याजकों को क्या करना है वहां लिखा है, क्या करना है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, आंगन और वेदी के बीच में अपने आप को लटकाओ, यू कैन ब्रिज द गैप, तो पुल बनोगे। ये गिरे हुए लोग जो आंगन में आए हैं परमेश्वर के से दूर भटकने वाले लोग जो आए, एक हाथ से उनको पकड़ो, एक हाथ से वेदी को पकड़ो, कल का आंगन और वेदी की ब्रिज बना हमें। ब्रिज क्या क्या लोगों का काम है, यही महायाजक ने किया था याकूब के लिए,
अब तुम कर रहे हैं, अब आप करोगे। What a responsibility, what a privilege. कितना महान एक जिम्मेदारी है और कितना बड़ा एक विशेष अधिकार है। We can bridge the gap. जैसे अब्राहम ने पुल बनाया वैसे, जैसे मूसा ने बनाया था, जैसे शमूएल ने बनाया था वैसे आप बना सकोगे। उसके लिए आह्वान है, आज के कलीसिया के पास ये आह्वान आया है, हमारे पास ये आह्वान आया है। अब यही करें। यिर्मयाह कहते हैं मैं मेरा आंसू रुकने नहीं दूंगा, मेरे जन की बेटी गिर गई है, मैं रोऊंगा, मैं बिचवाई करूंगा। आज भी आपको हरियाजों के पास है। अभी मुझे पता चलता क्यों यीशु हमारे उनसे जी उड़कर आ रहा, हमसे वो हम राज्य कर सकते हैं। मेरे लिए और आपके लिए बेटी बिचवाई निरंतर कर रहा है। अम्मी ये ब्रिज बन के रहते हैं। आपको पता है यीशु बड़े अहंकार से नहीं कहा कि जो मांगना मेरे नाम से मांगे, मैं ही पुल है, मैं ही संबंध बना कर रख सकता, मैं मध्यस्थ हूं, आगे बढ़ता। हम जकरिया में चल जाते, खत्म करने के यत्न में मैं जकरिया तक पहुंचा है। 6:12-13 और उससे यह कर सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी। ये बात तो जकरिया का भी समझ में नहीं आया। जकरिया ने भविष्यद्वाणी किया, उसका समझ में क्यों आएगा? हमारे समझ में आएगा। मालिका सही मंदिर बनाने वाला एक उड़कर आएगा, वो पुरुष हालेलुया जिसका नाम शाख है, ही द ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है? ईसाई का नहीं है, जड़ से निकलने वाला वो कौन है? अब जानता है तो दाऊद का संतान यीशु है, नहीं है? कहते वो ही मंदिर बनाएगा, नहीं है? और एक बार पढ़ो वही बात पढ़ो, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता। अरे ये आदमी कुछ अलग है, ये नहमिया नहीं है, ये सरुबबेल भी नहीं है, ये जो मंदिर बनाने के लिए प्रभु के हाथ में कामयाब है, ये कैसा मनुष्य है? ये तो सिंहासन पर विराजमान होकर सदा राज करने वाला मनुष्य है। एक साधारण याजक नहीं है, एक साधारण महायाजक नहीं है। वो क्या करेगा? यहोवा का मंदिर को बनाएगा, यहोवा का मंदिर को बनाने के बाद वो महिमा पाएगा। ही शैल बी ग्लोरीफाइड, पिता परमेश्वर ने कहा मैंने महिमावान महिमामय बनाया है और भी करूंगा, महिमा पाएगा, अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। Yes. उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। ये सिंहासन पर अर्थात दो काम हो रहा है, एक महाराजा राज करता साथ साथ वो महायाजक बनकर। परमेश्वर और मेरे बीच में संबंध बनाकर रखता है, यह वो श्रेष्ठ महायाजक। साधारण महायाचक नहीं, महाराजा है, महायाचक है।
तो परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सदा बनाकर रखेगा। आमीन। हम नया नियम में पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर ने उसको इतना महिमा देकर, इतना ऊंचाई पर, सारे सिंहासनों के ऊपर, सारे प्रभुता के ऊपर, सारे शासन के ऊपर विराजमान, और वो आज महायाजक का कार्य करता है। He is serving in the temple in heaven now, at the right hand of the Father, as a high priest. स्वर्गीय मंदिर में परमेश्वर के दाहिने भाग पर बैठकर वो हमारे लिए विनती बिचवली कर रहा है। He fills up the gap, जो भी दूर है उसको वो भर देता। वही मूसा को कहा, महायाजक आएगा तो जो भी कमी है लोगों के बलि में हो, उसके समर्पण में हो, वो सब पूरा करने वाला महायाजक। This is what he's doing. आज ये महायाजक वही कार्य कर रहा है। अब वहां से नया नियम में चल जाते हैं। मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और बनारस की भेंट चढ़ाई। सबसे पहले इन्होंने ये बालक को पहचाना, ये शिशु को पहचाना, दूर से आया। उन्होंने कहा, ये कोई इब्रानी लड़का नहीं है, ये राजा। आमीन। ये सिर्फ राजा नहीं है, ये महायाजक है। ये सिर्फ याजक नहीं है, ये भविष्य तक का। आमीन। इसके लिए इसे बलि चढ़ाकर ये शिशु के सामने दंडवत करकर अर्पण करना। ऐसे ज्ञानी लोग दूर देश से एक तारे को देखकर पहचान लिया, ये श्रेष्ठ महायाजक। धन्य ऐसे अपने उद्धार को समझने वाला, पहचानने वाला लोग धन्य है। हम भी उसको जानते हैं, वो हमारा राजा है, वो हमारा याचक है, वो हमारा श्रेष्ठ भविष्य जगता है। हम आगे बढ़ते हैं, अयोहन्ना में चले जाते हैं, 17 अध्याय से पढ़ता हूँ। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि तू भी पुत्र में सॉरी अपने पुत्र की महिमा कर कि तू भी तेरी महिमा करे। पुत्र की यीशु ये अध्याय को कहता है यीशु की महायाजक की प्रार्थना। वो वचन के लिए उसको बाद में आप पढ़ेगा तो उसको आपको पता चलेगा यीशु किसके लिए प्रार्थना है। तो यीशु ये महायाजक कहते हैं सबसे पहले महिमा कर। ये लेखन फिर वो हमारे लिए प्रार्थना है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास, अमें अति पवित्र परमेश्वर, हाई प्रीस्टली प्रेयर के पूरा अध्याय का हेडिंग वो है, महायाजक की अपेक्षा है पहले महिमा। जैसे महायाजक सजाया जाता वैसा महिमा कर। मैंने वो वाक्य तो नहीं पढ़ा, मूसा को कहता याजकों के लिए वस्त्र किसके लिए बनाने का, महिमा के लिए और खूबी के लिए, सुंदरता के लिए। कई बार पढ़ा इसके लिए मेरे पढ़ता, हम लोग भी थक जाते, बोर हो जाते हैं इसे पढ़ के। फॉर ब्यूटी एंड फॉर ऑनर फॉर ग्लोरी, महिमा के लिए है और सोफा के लिए वस्त्र,
ये सोफाई मान। उसके बाद यीशु प्रार्थना करता, महायाजक की प्रार्थना छठे वचन से हम पढ़ सकते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। ये कैसे मेरा मान, मेरा जन कैसे बन गया? तूने तूने मेरा वचन को मान लिया। हाँ, जो वचन को मानता है वो ये महायाचक के ही हाथ के अधीन है। इसलिए जब उसकी मां और भाई लोग आकर बाहर इंतजार कर रहे थे, लोगों ने उसको याद दिलाया कि कई देर से वो लोग इंतजार कर रहे हो, तो कौन मेरा मां, कौन मेरा भाई, जो मेरा वचन मानता है वही मेरा भाई, वही मेरा भाई। ऐसा ये वकालत करता, पिता परमेश्वर के साथ वकालत करता, बिचवाई करता, कहते ये लोगों ने वचन को माना है, इसलिए वो तेरे है और मेरे है। आगे आगे, अब ये जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसको ग्रहण किया। इन्होंने उसको माना, ग्रहण किया, अमीन, कि ये पवित्र वचन परमेश्वर का ही है। अमीन। एक मनीषी का जेब से नहीं निकाला गया है, उसके उसके जो कल्पना है उसके आधार पर नहीं है, परमेश्वर का वचन। ब्लेस्ड आर सच पीपल, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण करने वाला मनुष्य धन्य है। आमीन। वो परमेश्वर के बने रखेंगे। आमीन। आमीन। क्रूस पर अपना जीवन देने से पहले ये श्रेष्ठ महायाचक अपने संतानों को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपा और ये प्रार्थना किया। आगे बढ़िए, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। कहते ये सब तेरे, तेरे है, तुम्हें मेरे है। यस, मैं भी संसार के लिए नहीं प्रार्थना है, महायाजक संसार के लिए नहीं प्रार्थना, महायाजक परमेश्वर की जीत के लिए भी है। आप लोग मेरे साथ, यीशु मसीह अपने संतान के लिए विनती भी चुनी है, उसके संतान बनाने के लिए लोगों को लेकर आने का कर्तव्य हमारा है। नहीं, कभी कभी लोगों को कहते तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना प्रभु सुनेगा, अर्थ सत्य है वो, जो यीशु को स्वीकारता उसकी विनती प्रभु सुनता है। यीशु ने कहा मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। ये कहते मैं इनके लिए प्रार्थना करता, क्या लेकर ये श्रेष्ठ महायाचक क्रूस पर अपना जीवन बलि चलाने से पहले आपका तस्वीर देखकर, आपका तस्वीर आपको हृदय में देखकर, आपका बोझ कंधे पर देखकर परमेश्वर के पास सारी विनती बहुत चलिया है। वहां से आगे बढ़ जाए, हम प्रेरितों के कामों को पुस्तक में चले जाते हैं, तीसरे अध्याय में से मशहूर भाग पढ़ते हैं, 25 और 26। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले बताया था, अब्राहम को ये याजकों के विषय में इतना सब मालूम नहीं था, सिर्फ मलकी से लेकर कर उसको ये बात थोड़ा बताया कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आता है, लेकिन अब्राहम को कहा तेरा वंश से,
क्या होगा? तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, तेरे वंश याजकों का समाज बन जाएगा। आमीन। याजकों का काम है आशीष बांटना। साधारण लोगों का काम नहीं है, तेरा वंश पूरा याजक सा बनेगा। और उसका श्रेष्ठ महायाजक के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। बोले ये श्रेष्ठ महायाजक, तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को अपनी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। ये महायाजक को क्यों भेजा है? बुराइयों से बचा कर आशीष देने के लिए। आशीष देने वाला का काम है या नाम है याजक। मैंने कई बार ये बात बताया, एक देश में मैं चला गया था, प्राग नामक एक सिटी है, वो वहां में चला गया था। वहां एक बहुत बड़ा एक स्मशान है, क्या बोलते उसको, सिमेट्री है, वह सिमेट्री है। तो वहां बहुत सारे यहूदियों को डाल दिया है, हिटलर का था, ठीक है, बहुत सारे उन लोगों के शव को डाला गया। बहुत बड़ा एक 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 कब्र है, उधर एक पत्थर है, पत्थर रखा भी है, वो पत्थर से कब्र, तो पत्थर के ऊपर एक चीज भी दिखाई देता, कभी कभी एक कैंची और एक सुई, तो पता चलता ये टेलर का चाबी भी हो सकती, एक हथौड़ा और एक लोकर का टुकड़ा, उसको लोहार था, एक छोटा सा ऐसे क्रूसिबल और एक ऐसे फूफू, तो उसको बताइए सोनार था। तो अपना अपना धंधा उधर देख के पता चलता, लेकिन कुछ कुछ पत्थर के ऊपर ऐसे खाता है, ये याजक था। जैसे लगा ये सब मर के इतने साल हो चुके हैं, अभी उनके हाथ आशीष पाते था। मैंने कहता कि वहां जाके उसको चुमेगा तो आशीष मिलेगा, ये सब मेरा कहने का मतलब नहीं है। आशीष बांटने वाले हम आगे बढ़ते वहां से, क्योंकि हमें अभी इब्रानी में आएगा तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो पहले तो मोती में चल जाता है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अभी साफ 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 हो जाता सब कुछ। अभी परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से कहता है, परमेश्वर एक है और एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हमारे लिए एक मनुष्य स्वर्ग में। आमीन। जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा यही बात बताया, वो सिंहासन और वो भविष्यवक्ता है, वो याचक है, वो राजा है और वो बिछुई करता है। वेदी और आंगन के बीच में का पुरुष वो होता है। स्वर्ग के फाटक के पास मुझे मेरा संबंध बनाने वाला सीढ़ी वो है। आशीष बांटने वाला बीच वही वो है। मेरी गलतियां मेरे पर आ जाए, मेरे कमियां को दूर करने वाला याचक बीच वही वही है मनुष्य यीशु मसीह। हमारे लिए विराजमान है, उपस्थित है, स्वर्ग में है। अब जितना भी बात हमने कहा उसका पूरा पूरा सफाई से तस्वीर हमें यहाँ मिलता है। यीशु क्रिस्त है, नहीं हम आगे बढ़ता वहां से, मैं आगे बढ़कर इब्रानी में चले जाना, इब्रानी से सिर्फ पढ़ के जाना है। इब्रानी 2:17, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने
ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये महायाजक लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए लोगों के बिल्कुल समान बनना अवश्य था। आमीन। हमारे समान बनना अवश्य था, इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा ये मेमना है, लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं ये सिर्फ मेमना नहीं है, ये अति श्रेष्ठ महायाजक है। यस लॉर्ड। यूहन्ना ने गलत बोला नहीं, परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, साथ साथ वही मेमना को बलि चढ़ाने वाला याचक भी है, वेदी को ठीक करने वाला याचक है, अग्नि जलाकर रखने वाला याचक है। ऑल इन वन, ऑल इन ऑल। यस, हालेलुया। सब में सब कुछ है वो। आमीन। बिल्कुल हमारे समाज बनाया गया, स्त्री से जन्म लिया, भूखा रहा, प्यासा रहा, थक गया, परेशान हुआ, बिल्कुल हमारे समान बन गया। और ये महायाचक है, इस महायाचक है, और एक बार पढ़िए वो जल्दी और खत्म कीजिए उसको। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे उन बातों से जो परमेश्वर से संबंध रखती एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। दयालु और विश्वास योग्य दोनों है। हाँ, दयालु और विश्वास, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य महायाजक है, हमारे लिए दयालु। यस लॉर्ड, आमीन। ये महायाचक है, हमारे श्रेष्ठ महायाचक। अब आगे बढ़ के वास चार का 14-15। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने को अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। कहते ये श्रेष्ठ महायाजक स्वर्ग में हमारी ओर से है, इसलिए हम किया बांध कर आ सकते हैं। हम परफेक्ट है उसके कारण नहीं प्रभु, हम अति पवित्र उसके कारण नहीं, इसलिए हमने जूना नियम से पढ़ा। ये महायाजक पिता की उपस्थिति में क्यों करा, जो कमियापन है, जो गिरावट, जो कमजोरी है, उसको निभाने वाला, पूरा करने वाला ऐसा महायाचक है, नहीं है वो सहानुभूति निकालने वाला महायाचक है, नहीं लिखा ऐसा। हमारा ऐसा बड़ा महायाचक है, स्वर्ग में से होकर गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु है, अमन। इसलिए आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से तामे रहे, अमन। अंगीकार किया गया है और हमने उसको भी अंगीकार किया है, हमारा स्वीकृति हुआ है, हमने उसको भी स्वीकारा है, उसको मजबूती से हम पकड़ कर रखते हैं। The devil cannot steal it away, enemy cannot snatch it away, दुश्मन नहीं चुराएगा, अमन, शैतान नहीं छीन लेगा ये अंगीकार को। वैसे साधारण महायाचक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, या पताइसस एनीसिंग पताइसस विद अस, वो हमारी अवस्था को जानता है। आमीन। ही नोस आवर फ्रेम। यस, हालेलुया। वैसे महायाजक नहीं है जो हमारी गिरावट को नहीं समझता और सहानुभूति नहीं दिखाता, हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ वो दुखी हो सकता होता है, नहीं है वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप नहीं रहा, हमारे लिए वो परखा गया। 40 दिन और 40 रात लगातार वो परखा गया हमारे लिए, निष्पाप नहीं रहा। मेरे लिए और आपके लिए उसने प्रॉक्सी बनकर परीक्षा लिखा। यस लॉर्ड, यस।
सौ प्रतिशत लेकर पास हो रहा है। धर्मी ठहराया हमें वो, पवित्रीकरण किया, अभ्यापन को दूर किया, हमें अपने ऊपर ले लिया। यस, जैसा विश्वास योग्य याचक करता है, इसलिए आओ, इसलिए आओ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बंद कराओ भैया, ताकि हम पर दया हो, अधिग्रह पाए, आवश्यकता के समय हमारी सहायता, इस ये हमारा महायाचक है, ये हमारा वकील है, ये हमारा विचवई है, ये हमारी ओर से पुरुष है स्वर्ग में, मनुष्य यीशु, नहीं है। आगे बढ़ता पांच का छह सात। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तुम मलकीसदिक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ मलकीसदिक के विषय में लिखा है, इसके लिए अपने वहां मलकीसदिक के विषय में पढ़ा नहीं, लेकिन ये मलकीसदिक के क्रम क्रम से एक याचक है, नहीं तो यीशु महायाजक नहीं बन सकता, वो तो लेवी कुल के लोग महायाजक बन, ये तो यहूदी कुल के, ये राजा और महायाजक साथ में है। लेवी कुल से कोई राजा नहीं उठता, यहूदा के कुल से कोई याजक नहीं उठता, एकमात्र श्रेष्ठ महायाजक वह राजा है, महायाजक है, नहीं है? वह इसी प्रकार से सदा के लिए महायाजक बने रहता है। ये साधारण लोगों की तरह महायाजक होता तो गलतियां अनेक हो सकता था। आरुण ने गलती किया, मैं आरुण के संतानों ने गलती किया, अनेक महायाजकों ने गलती किया, ये भी ऐसा महायाजक नहीं है, मैं ये स्वर्गीय महायाजक है। मलकीसदिक किसका महायाजक था? स्वर्ग का, परमेश्वर का महायाजक, वही रीति से है, ये महायाजक है, सदा के लिए है, नहीं है? और ये क्या करता था पता है? यहाँ रहने के दिनों में भी वो जैसे सबसे पुकार पुकार करा सुबह वहा कर, वो प्रार्थना करते रहा, विनती करते रहा, लगातार आज भी वो वही करता। मैं सोचता हूँ क्यों यीशु जब प्रार्थना करने के लिए अकेले में चला जाता था, किसी चेला लोगों को साथ में आने नहीं दिया, उनकी चिल्लाहट, उसका रोदन, उसकी कराहना वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ऐसे संसार प्रदेश को ढूंढ कर पर्वत के ऊपर चलते, हाउ ही मस्ट बी प्रेइंग फॉर मी एंड यू इन हेवन। मुझे हमेशा यूसुफ का याद आता जब ये पद, यूसुफ तो प्रधानमंत्री है, बहुत ऊंचा पद पे है, उसके गिरे हुए भाई वापस आया उसके पास, को देख कर उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, चिल्ला चिल्ला कर रोया, उसका रोदन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है पूरा मिस्र देश ने सुनी, व्हाट डू आई प्रीच इस समय, हमारा महायाजक कैसा महायाजक, ये स्वर्गीय अग्नि को जला कर रखने वाला महायाजक यही, टिमकी मारने लगता, तेल का मौत था, तूफान आता, तो ये है बीच में, थैंक यू जीसस,
वहां से आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर मैं कहां जाएगा? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। ये महायाजक आदि पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। हालेलुया। आदि पवित्र स्थान पे अगर महायाजक प्रवेश करता है, उसका मतलब मैं और आप परमेश्वर के सामने पेश किया गया है। यस आमेन। ये बात आपने जो ना यस हालेलुया। तुम पवित्र स्थान में जाओगे तो आमेन लेके आना और देखो लेकर आना। The hope of our glory, Jesus Christ has entered into the holy of holies. हमारी महिमा की आशा यीशु क्रिस्त है। पर्दा फाड़कर yes. रुकावटों को दूर कर आदि पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ yes. है। लिखा है कि वो आशा, आशा जो यीशु क्रिस्त स्वयं है हमारे प्राण के लिए, वो एक लंगर है yes. वो स्थिर है Amen. वो दृढ़ है Amen. पर्दा के भीतर तक पहुंचता है, वहां यीशु मलकीसदक की नीति पर सदा काल का महायाचक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। Urim and Thummim is still with him. Back. Amen. Agua ke rupo. Yes. Hallelujah. Wo prakashit karega vaas. Wo vachan dega vaas. Aur wo sirf yachak nahi hai. Wo agua. Amen. Hallelujah. Ab aage padhte hain. तो जितना भी अर्जुना नियम में पढ़ा उसकी पूर्णता भी यीशु क्रिस्त में पाते हैं। बस हम आगे बढ़कर कहां जाना, साथ में 7-14-16 तक। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जबकि मलकीसदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ। ये नियुक्त क्या हुआ, एक महायाजक है लेकिन ये मूसा ने जो याजकों को नियुक्त किया था वैसा नहीं, वैसा नहीं है। यस मूसा की व्यवस्था में ऐसे कोई याजक का विषय नहीं लिखा, नहीं लिखा है। लेकिन मूसा थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए मूसा ने कहा मेरे समान एक भविष्य तक था तुम्हारे बीच में से उड़कर आएगा। ये मूसा भविष्य तक था में तो दूसरे लोगों में कुछ फर्क है, ये मूसा महायाजक को नियुक्त करने वाला आदमी ऐसा एक भविष्य तक था दोबारा आएगा। इसीलिए इब्रानी में हम मूसा के साथ हमेशा तुलना यीशु के नहीं है। ये महायाजक यीशु जो है याजकों को नियुक्त करने वाला है। लेकिन व्यवस्था में नहीं है, ये इंसान में से नहीं है, ये किसने नियुक्त किया है? अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी become a priest not on the basis of legal requirement concerning worldly but with the power of an indestructible life. ये कभी नाश नहीं होता, ऐसे कि जीवन का सामर्थ्य से ये भविष्य दत्ता बन कर आया। अगर आप में से कुछ लोगों को लेते हैं बहुत कड़ी कड़ी बातें, बहुत सरल बात, यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे पापों के लिए जीवन देने वाला, वो हमारे लिए व्यक्ति बिछुई करने वाला, वो हमारे लिए स्वर्ग से निवासन तक मार्ग बनाया हुआ हमारे से पहले वहां प्रवेश और हमें वहां तक पहुंचने के लिए अगुवाई देता है ये महायाचक।
ये समझने के लिए आपको बाइबल कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सानी ब्रदर कभी बात बोलता नहीं है, बहुत बहुत सरल बात हम वचन से पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अभी एक एक वचन में पढ़ के भाषण दूंगा तो आपका गणित आपको वो नाराज कर देगा। जिन जमाने में याजक लोग हुआ करते थे, कुछ समय के लिए जीते थे, बाद में वो लोग मर जाते थे, पूरा पूरा उद्धार भी नहीं कर पाया, लोगों के लिए सब कुछ नहीं कर पाया, जितना उनका अवसर मिला उतना उन्होंने प्रार्थना किया चला गया। फिर एक महायाजक आया, वो सदा के लिए जीवित महायाजक। महायाजक को प्रदीप भोर को पाप बलि चढ़ाना आवश्यक था। ये महायाजक ने एक बार बलि चढ़ा दिया, सदा के लिए मुझको और आपको उद्धार की पूर्णता उसका पूरा पूरा यकीन दिलाया, एश्योरेंस दिया गया। ये वो महायाजक है जिसको अपने आप के लिए बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। यह है वो श्रेष्ठ महायाजक, वो सदा के लिए पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, बेगुनाह नहीं लिखा है। ये उसके विषय में था। बाकी जितना भी महायाजकों ने ये पट्टी पहना था वो इसका एक परछाई था, द रियल वन है। सदा के लिए उद्धार के काम को पूरा किया है। ऐसा महायाजक हमें चाहिए था और पिता परमेश्वर ने ऐसा महायाजक को भेज दिया। वो हमारे लिए सदा जीवित है, वो सदा जीवित है, हमारे लिए है। आगे तेरी से पढ़ो, पढ़ना है क्या? तेरी से पढ़ा, 27 हो गया। 9-12 पढ़ो। 9-12 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमने शुरू किया था, यीशु कब उसे ये सुना, तू ये बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, वो सो बलि से पापों की क्षमा नहीं हो सकता था, परमेश्वर की दया प्रकट हो सकता था। अब यहाँ कहते हैं ऐसे सब बलि से पापों की क्षमा नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु ने स्वयं बलि चढ़ाकर, एकमात्र बलि चढ़ाकर अपने ही लहू से हमारी पापों से हमें सदा के लिए माफ किया। आगे पढ़िए 14। हाँ जी, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, याजक लोग बनकर हम उसकी सेवा करने के लिए यीशु ने अपने आप को बलि चढ़ाया और हमें शुद्ध करते जा रहा है, हमारे विवेक को शुद्ध कर, इस वेदी को वो तैयार कर। यीशु ने सब कुछ किया, हमें यीशु ने अपने वेदी को यीशु ने ही शुद्ध किया। मुझे बहुत कुछ पढ़ने का था कि जुनाने में ऐसे लिखा है कि आराधना करने से पहले बलि चढ़ाने से पहले वेदी को लहू लगा कर शुद्ध करना, हमें हर चीज को शुद्ध करना। यीशु ने लहू लुहा इतना बारीक क्रूस पर लेकर ब्लडी क्रॉस
stained with blood, वैसे वो गील गाते सगुरुहासुली यीशु के लहू के कारण वेदी सिद्ध किया गया पवित्र, वेदी पवित्र, मेमना पवित्र, याजक पवित्र, अग्नि पवित्र। What a sacrifice! जिसके आधार पर हमारा उद्धार हुआ है। हम भी हम लोग यीशु को सिर्फ एक रक्षक, एक मेमना के रूप में ऐसे लोगों के सामने पेश कर समझ को, वो सिर्फ एक मेमना नहीं है, वो सिर्फ एक चुड़ाने वाला नहीं, he's all in all, ensuring perfect salvation, amen, saved to that the most I will be, पूरा पूरा उत्थान, yes, कि यकीन दिलाता है वो, amen, आज भी जीवन का याचक बनकर, उसके लहू के कारण हमें सिद्ध करता, हमें शुद्ध करता। आगे बढ़ो, चौबीस, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। अभी जितना भी यहाँ मंदिर था, वेदी था, सब नमूना था। yes. नहीं है? Hmm. असलियत मंदिर और वेदी स्वर्ग में। yes. नहीं है? कहते हैं यीशु वहां गया, इन हेवन इटसेल्फ वहां गया है, वहां सदा के लिए बना रहेगा, नहीं वो, अमन, टू अपीयर, अमन, सॉरी, वो हमारी ओर से पिता परमेश्वर के सम्मुख अपीयर होता है। ये क्या है? ये जरा अदालत की बात है, अदालत की बात आप समझते तो ये बात है। जब ये कभी वकालत चल रहा है, हमारे लिए एक वकील की जरूरत है। बताओ, तो वकील हमारी केस लेकर जज के सामने हो जाता है। यही बात है। ये वकील हमारे लिए है। और एक बार पढ़िए, शायद शायद हाँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, छोड़ो, स्वर्ग ही में प्रवेश किया यीशु, ताकि हमारे लिए आप परमेश्वर के सामने दिखाई दे। अमें। Who is representing you? Jesus. अमें। कौन है तेरा वकील? यीशु। अमें। अमें। मुकदमा कौन लड़ रहा है? हमारा यीशु लड़ रहा है। अमें। हालेलुया। स्मार्ट। सिर्फ बिचवड़ी नहीं करता, वकालत करता। अमें। अमें। यस। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब्राहम ने वो कालत किया था, मैं याद है, जैसे मूसा ने परमेश्वर के साथ वो कालत किया, मैं याद है। लोग क्या सोचेगा, लोग क्या करेगा, अधर्मी के साथ क्या धर्मी भी बिठाया जाएगा क्या? मैंने लघु बहाया है पिता, उनके कभी के लिए मैं प्रार्थना करता पिता, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, वो सिद्ध होते आ रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। मैं आगे 10 से 12 से 14, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, कर दिया है। एक ही चढ़ावा, एक ही बलि के, मेरे जैसे नीच इंसान सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया। हमें यस, यस, इसलिए कि आओ बांध कर हमें वकील है, इसलिए कि महायाजक है, इसके लिए साहस करता है पिता के पास आने। आगे बढ़ते अपने आशीर्वाद में चले जाता है ये महायाजक को। अब एक बार हम करीब से देखते हैं,
ये हमारे श्रेष्ठ महायाचक का है। जैसा योहन्ना को दिखाई दिया वैसे हमारे सामने आज और एक बार प्रकाशित करें। 1:12-16 तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए। महायाजक का वस्त्र पटका बांधता उसका हृदय पे आप और मैं हमें आखिरी जल रहा हमें एक भी दिया नहीं मुझे हमें महायाजक कार्य कर रहा सेवा कर रहा नहीं आगे बढ़िए। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। स्वर्गीय ज्ञान की बर्फूरी में कड़ा है हमारा महायाजक आमेन। बीते हुए दिनों के याजकों के समान स्वर्गीय ज्ञान की पूर्णता उसके सर पे होते सकता है आमेन आमेन। इसीलिए हमें वो अगुवाई दे सकता है आमेन। सही सलाह दे सकता है आमेन। सही उपदेश सिखा सकता है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पाव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया। पिछले दिन हमने ये सारी चीज को देखा। ये महायाजक स्वयं बलि बन मेमना पर परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में अपने आप को जला दिया। आमीन। जैसा वेदी जो पित्तर से बनाया गया था उसके ऊपर बलि चढ़ाया जाता जैसा वो ताप से ऐसा चमक था से कई गुना ज्यादा वेदी पर परमेश्वर के अग्नि में जलाया गया ये पुरुष का फाइल ऐसे पित्तर समान नहीं है जो ताया गया पित्तर के समान चमकता आगे आगे। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। नहीं 7 तारे उसके दाहिने हाथ वो अगुवाई देगा हमें वो कलीसिया को चलाएगा हमें मार्ग बनाएगा मार्गदर्शन देगा शिक्षा देगा कलीसिया को चलाने वाले दास उसके दाहिने हाथ में तारे समान बड़े कीमती बाने हुए उनकी दृष्टि में इसके लिए वो सोने के तारे दगीने आगे बढ़ता। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता जैसा इब्रानी में पहले द्वार को बीते हुए द्वार को पड़ा था परमेश्वर की महिमा का प्रकाश प्रकाश यस परमेश्वर से यस चेहरा सूर्य समान हमें ये साधारण याचक नहीं नहीं यस साधारण महायाचक नहीं है परमेश्वर स्वयं मेरे लिए याचक हमें आगे बढ़ता 8:3 से पढ़ता। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। महायाजक श्रेष्ठ महायाजक वहां बैठा है कहते मेरे याजक लोग बहुत है आमीन उनको सही रीति से प्रार्थना करना नहीं आता यस यस उनकी स्तुति में कमी है उनकी आराधना में कमियां पर है धरती के चोर से वो लोग कभी कभी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं इतने उदास मन से कच्चे दिल से सब बैठते लेकिन तेरी ओर ताकते
उनकी ओर से चढ़ाया गया बलिया है। स्वर्गदूत लो तुम लोग क्या करना, धूप लगाना और जोड़ना और जोड़ना और जोड़ना और जोड़ना और जोड़ना और जोड़ना, स्वर्ग भर जाए। मेरे याचक लोग लोगों के लिए कितनी बाले ये खुशबूदार बाली निरंतर चलाए जाने वाली बलिया तब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सुगंधित धूप बलि यही है। मेरी बलि परफेक्ट है, उसका कार्य स्वर्ग उसके साथ सुगंधित धूप मिलाते और वाहन के वेदी से अग्नि। हालेलुया, व्हाट अ सेवियर, व्हाट अ हाई प्रीस्ट, कितना महान उद्धारक है, कितना श्रेष्ठ महान है। जीवन को उसके हाथ में सौंप दिया, हम सुरक्षित हैं। आमीन, पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। आमीन, यीशु के नाम में आमीन। कोई भी एक व्यक्ति ये वचन को स्वीकारे, पूरे कलीसिया के लिए आवाज उठाए, कब शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। तेरे पिता के पास जाके हमारे लिए विनती करता है। आज भी तू विनती कर रहा है हमारे लिए पिता, तू मनुष्य आज भी हमारे लिए जिंदा है, तू विनती करता है प्रभु स्वर्ग में। पिता तू स्वर्ग में है मेरे परमेश्वर, तेरी भी तू विनती करता है हमारे लिए मेरे प्रभु। तू हमारा वकील है, तू हमारा याजक है, तू हमारा सब कुछ है पिता, तेरे जैसा हमें बना। हमारे जीवन में तेरी अग्नि जलता रहे प्रभु, कभी कम नहीं होए मेरे प्रभु। तेरी अग्नि हमारे जीवन में जलता रहे प्रभु, तेरी अग्नि पवित्र अग्नि हमारे जीवन में जलता रहे प्रभु। तू पवित्र है पिता, तेरी अग्नि पवित्र है प्रभु, तेरा वचन पवित्र है प्रभु, तेरा मीठा वचन हमारे जीवन में जलता रहे प्रभु। तेरे वचन से हम तृप्त हो जाएंगे मेरे प्रभु। यीशु तू ही हमारे लिए सब कुछ करता है मेरे पिता, आज भी तू हमारे लिए अगुवाई कर रहा मेरे प्रभु। तू ही हमारा चरवाहा है प्रभु, तू ही हमें चराता है मेरे पिता, आज भी मेरे परमेश्वर यहोवा। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे मीठा वचन के लिए धन्यवाद देती पिता। तू हमारे को अगुवाई करता है, तू हमारे लिए आज भी हमारे लिए तेरे पिता के पास जाके हमारे लिए विनती कर रहा मेरे प्रभु। तेरी विनती के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद। तू हमारे लिए वकील है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे को तेरी आराधना नहीं आता है पिता, हमारे बहुत कमियां पिता, हमारी कमियां को दूर कर प्रभु, और तेरी जैसा बना, तेरी जैसा पवित्र परमेश्वर। तू पवित्र है तो हमारी कलीसिया पवित्र हो जाए, हमारी कलीसिया में तेरा अग्नि उतर जाए और अग्नि से भर जाए हमारी कलीसिया, और हमारी कलीसिया तेरे साथ चलने वाला बन जाए। यीशु यीशु हमारी कलीसिया को तेरी जरूरत है। यीशु यीशु हे मेरा पिता, तू आ हमारी कलीसिया में, तेरी अग्नि उतार के आ, तेरी समाधा पिता हमारे जीवन में। सारी आदर सारी महिमा में तुझे देती हूँ पिता, यीशु के नाम में मानती हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर क्या सी प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्ति दादा यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, संगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सक भागीदार और अगुवाई हमारे सबके साथ, मंडली के हर परिवार, हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए विषयों के लिए प्रार्थना करके आ रहे और करना चाहिए, इन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, सबके साथ हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के अनेक लोगों के साथ जो दुस्संकट और परेशानियों से कुछ है, परमेश्वर की सेवा करने वाले सच्चे दास दासियों के साथ,
कीड़ा से रहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुत्र आगमन तक भी निरंतर बने रहे आमीन आमीन प्रभु।